अगर आपको गूगल अकाउंट बनाना है या प्ले स्टोर आईडी बनाना नहीं आता तो आज की वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप गूगल अकाउंट या फिर जीमेल आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को मुकम्मल देखना, वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना वरना आपको कहीं से भी समझ नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे इस घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने कोई सा भी ब्राउज़र ऑन कर लेना है, तो मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को ऑन कर लेता हूँ। तो ऑन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर आपने सर्च बार में कोई सी चीज़ भी सर्च कर लेनी है। मिसाल के तौर पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ और यहाँ पर इसे सर्च कर देता हूँ। सर्च करने के बाद यहाँ पर ऊपर आप सबसे ऊपर यहाँ पर आपको ये गोल सा जो एप्पल सा निशान है ये नज़र आ रहा होगा। तो ये मैं आपको दिखाऊँ, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो आप एक नए पेज में दाखिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपसे ये ईमेल मांगेंगे। आपने नीचे आपको ये क्रिएट अकाउंट वाला ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो क्रिएट अकाउंट पर मैं अभी क्लिक कर देता हूँ। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन देनी है, जो भी इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं। तो मिसाल के तौर पर आपका जो भी फर्स्ट नेम है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पहला नाम फर्स्ट नेम दे देता हूँ। तो फर्स्ट नेम खान CHINIOT। उसके बाद में यहाँ पर आपने जी मेल को अच्छी सी जी मेल लगानी है। यहाँ पर आपने थोड़ा सा इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर अपनी अच्छी सी जी मेल आई बनानी है जिससे आपका चैनल हैक भी ना हो और आपकी जो आईडी है वो सेफ रहे। तो यहाँ पर मैं कोई अच्छी सी देखता हूँ, टॉप फॉर यू, यहाँ पर 45 gmail@gmail.com। तो मैंने यहाँ पर जी मेल दे दी। उसके बाद आपने कोई सा भी पासवर्ड दे देना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं पासवर्ड दे देता हूँ BBB4B। और उसके बाद तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड दे दिया। पासवर्ड देने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने अपना जो फ़ोन नंबर है वो यहाँ पर पेस्ट कर देना। तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। फ़ोन नंबर पेस्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो अभी मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ी सी वेट करूँगा, थोड़ा सा वेट करूँगा। वेट करने के बाद मैं वेरिफिकेशन कोड का इंतज़ार करूँगा। तो यहाँ पर मुझे कोड मौसूल हो चुका है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 099, जो भी कोड है। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ 09953453। मैंने कोड लिख दिया। अब आपने वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। तो मैं वेरीफाई पर क्लिक कर देता हूँ, इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। तो वेरीफाई पर क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट तो सबसे पहले नेक्स्ट पर क्लिक नहीं करना, बल्कि यहाँ पर आपने जो अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो वगैरह वगैरह लिख देनी है। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपने सब कुछ यहाँ पर डाल देना है। तो मैं यहाँ पर अपनी पैदाइश वगैरह जो भी है आपने यहाँ पर डाल देनी है। तो यहाँ पर आपने जो भी आप हैं मेल वगैरह तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये नेक्स्ट पर आप क्लिक करना है। इसके बाद आपने तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यस आई एम इन पर क्लिक कर देना है। यस आई एम इन पर क्लिक करने के बाद आई एग्री पर क्लिक कर देना है आपने। के बाद ये थोड़ा बहुत टाइम लेगा, तो हम तब तक वेट करते हैं जब तक ये क्रिएट नहीं होता। तो उसके बाद जब आप देख रहे हैं कि हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। एक बार फिर से इस पर क्लिक करता हूँ मैं, इस बार वो वाला ऑप्शन नहीं आएगा, पर मेरा जो अकाउंट है चुका है बिल्कुल सेफ तरीके से अकाउंट बन चुका है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में लगे बेल आइकन को